सबसे पहले हम x टू द पावर 4 यहाँ से कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ रह जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन x टू द पावर 4 और होल पावर है 3/4, तो x टू द पावर 4 बाहर जाएगा तो x क्यूब हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके x टू द पावर 5 हो जाएगा। और अब हम इसको t लेट करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा -4 अपॉन x टू द पावर 5, तो dx अपॉन 5 ये जो हमारे पास है ये हो जाएगा हमारे लिए dt अपॉन 4 और वो भी माइनस साइन के साथ, और ये हो गया हमारा t की पावर 3/4 और इसका इंटीग्रेशन होगा t की पावर 1/4 अपॉन 1/4, तो 1/4 से 1/4 कैंसिल हुआ प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो यहाँ पे t की वैल्यू लिख देते हैं, तो ये आ गया आपका आंसर।